नमस्कार, स्वागत है आपका वामा टीवी के प्रोग्राम वामा राशि चक्र में। तो चलिए जानते हैं आज की 12 राशियों का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, जहां मेष राशि वालों के लिए आज का दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। अटके हुए काम और घने होंगे व खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे। अपने जीवन साथी के साथ प्यार, अपनापन और स्नेह महसूस करेंगे। आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा क्योंकि आपका प्रिय आपके लिए बहुत सारी खुशी की वजह साबित होगा। सहकर्मियों और कनिष्ठों के चलते चिंता और तनाव के क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने प्रेमी को वक्त देने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी जरूरी कार्य के आ जाने से आप उनको समय दे पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र ग्रह और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले होते हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। अब नजर डालेंगे हम वृष राशि वालों की तरफ, जहां आज आपको मौज मस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेल जोल आपको खुश रखेंगे और सुकून भी देंगे। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना बन रही है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। आपको अपने रोजमर्रा के कामों से छुट्टी लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। प्रेम भगवान की पूजा की ही तरह पवित्र माना जाता है। यह आपको सच्चे अर्थों में धर्म व आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है। कामकाज के नजरिए से आज का दिन सुचारू रूप से चलेगा। आज वह लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। आज आपको जिंदगी बहुत खूबसूरत नजर आएगी क्योंकि आपके जीवन साथी ने आपके लिए कुछ खास योजना बनाई हुई है। अब बारी आती है मिथुन राशि की, जहां मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक साबित होगा क्योंकि आज व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है और आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां भी दे सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान देना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की जरूरत है ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें। आज का दिन काफी सोच समझ के कदम उठाने का है, इसलिए तब तक अपने विचार किसी के भी सामने व्यक्त ना करें जब तक आप उनकी सफलता के लिए आश्वस्त ना हो जाएं। आज के दौर में अपने लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए काफी समय होगा। बाहरी लोगों का इंटरफेयर आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम कर्क राशि की तरफ, जहां आज आपकी सेहत को ज्यादा देखभाल की जरूरत है। आज आप आसानी से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों के दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों की हेल्प आपकी जरूरत का ख्याल रखेगी। जो लोग अब तक अकेले हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी मुलाकात आज किसी खास से होने की संभावना बन रही है, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले यह जरूर जान ले कि कहीं वो शख्स किसी और के साथ रिश्ते में तो नहीं है। किसी भी तरह की पार्टनरशिप करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुन ले। कार्य क्षेत्र में किसी काम के अटकने की वजह से आज आपकी शाम का कीमती समय बर्बाद हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वैवाहिक जीवन अधिकतर झगड़ों और सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन आज आपके ये सारे विचार फेल होने वाले हैं। अब चलते हैं हम सिंह राशि की तरफ, जहां आज आपको खेलकूद में हिस्सा लेने की जरूरत है क्योंकि युवावस्था का रहस्य यही है। आपका कोई दोस्त आज आपसे एक बड़ी रकम उधार मांग सकता है और आप अगर उनको यह रकम दे देते हैं तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। शाम को साथियों के साथ आप मजेदार वक्त बिताएंगे। आप जब अपने प्रिय के साथ बाहर जाएं तो अपने पहनावे और बर्ताव में नयापन रखें। इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी इमेज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारियों को किसी पुराने निवेश की वजह से आज नुकसान होने की संभावना है। आपका कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा जन आपकी सहायता कर सकता है। आपके जीवन साथी की मुस्कान पल भर में आपका सारा दर्द गायब करने की काबिलियत रखता है।
अब बढ़ते हैं हम कन्या राशि की तरफ, जहां आपका तल्ख बर्ताव आज जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में तनाव डाल सकता है। कोई भी अलग काम करने से पहले इसके परिणामों के बारे में जरूर सोच विचार कर लें। अगर पॉसिबल हो तो अपना मूड बदलने के लिए कहीं और घूमने के लिए चले जाएं। आपके पिता की कोई सलाह आज आपको कार्य क्षेत्र में धन लाभ करा सकती है। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी कला आपको कई सकारात्मक चीजें दिला सकती है। आपकी लाइफ में एक नया मोड आ सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। आप जिस पहचान और पुरस्कार की आस लगाए बैठे थे वह कुछ समय के लिए टल सकता है और आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि वाले जातकों को आज खाली समय में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादों को रचेंगे। अब नजर डालेंगे हम तुला राशि की तरफ, जहां आज आपका गुस्सा राय का पहाड़ बन सकता है, जो आपके परिजनों को नाराज कर सकता है। वे लोग लकी हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल में रख सकते हैं। आपका गुस्सा आपको खत्म कर दे, उससे पहले आप उसे खत्म कर दें। आपके घर से जुड़ा इन्वेस्टमेंट काफी फायदेमंद रहेगा। आपके बच्चे की खराब तबीयत आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। आज रुमानियत का मौसम जरा खराब लगता है, क्योंकि आपका साथी आपसे आज कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करेगा। पार्टनरशिप में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है, ऐसे सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन अपने साझेदारी से हाथ मिलाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। अगर आप काफी लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको उसके संकेत दिखाई देने लगेंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत के लिए काफी वक्त मिलेगा, लेकिन सेहत अचानक से गड़बड़ हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की तरफ, जहां वृश्चिक राशि वालों को आज प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा, जो आपके उत्साह को दुगना कर देगा। आज आपको अपने उन रिलेटिव्स को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। परिवार के लोगों से अपनी परेशानियों को साझा करके आप हल्का महसूस करते हैं, लेकिन कई बार आप अपने ईगो को आगे रखकर घर वालों को जरूरी बातें नहीं बताते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी परेशानी और भी बढ़ा लेंगे। आज आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे। वे आपकी नजरों के सामने से ही नीचे को खिसकेंगे। आपके घर का कोई मेंबर आज आपके साथ समय बिताने की जिद कर सकता है, जिसके कारण आपका कुछ समय खराब हो जाएगा। जीवन साथी की ओर से मिले तनाव के चलते सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ना मुमकिन है। अब बढ़ते हैं हम धनु राशि की तरफ, जहां धनु राशि के लोगों को आज खुद को सेहतमंद और दुरुस्त रखने के लिए वसा युक्त और तली भुनी चीजों से दूर रखना चाहिए। इस राशि के जो लोग टैक्स चोरी करते हैं वो आज बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि टैक्स की चोरी ना करें। घरेलू मामले में और काफी समय से लंबे चल रहे घर के कामकाज के हिसाब से आज अच्छा दिन है। आज आपके दिल की धड़कनें आपके प्रिय के साथ कुछ ऐसे चलेंगी जिससे जीवन में प्यार का संगीत बज उठेगा। सैलरी में बढ़ोतरी आपको उत्साह से भर सकती है। यह समय अपनी सभी निराशाओं और परेशानियों को दूर करने का है। आज के दिन घटनाएं अच्छी तो होंगी, लेकिन आपको तनाव भी देंगी, जिसके चलते आप थकान और दुविधा महसूस करेंगे। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण दिन गुजर सकता है, इसलिए जहां तक संभव हो बात को बढ़ने ना दें। चलिए अब बारी आती है मकर राशि की, जहां आज अगर आपके लिए मुमकिन हो तो लंबे सफर पर जाने से बचें, क्योंकि लंबी यात्राओं के लिए अभी आप कमजोर हैं और उनसे आपकी कमजोरी और बढ़ेगी। आप आज दूसरों पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर सकते हैं। सामाजिक गतिविधियां काफी मजेदार रहेंगी, लेकिन अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी के सामने उजागर ना करें। आपकी आंखें आज चमकने लगेंगी और दिल की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी, जब आप अपने सपनों की राजकुमारी से मिलेंगे।
आज खुद को रिप्रेजेंट करने का अच्छा वक्त है, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो क्रिएटिव हो। इस राशि के छात्रों के दिमाग में प्यार का बुखार छा सकता है और इस वजह से उनका काफी समय भी बर्बाद हो सकता है। आपका जीवन साथी वाकई में आपके लिए फरिश्तों की तरह है, जिसका आज आपको एहसास होगा। अब बढ़ते हैं हम कुंभ राशि की तरफ, जहां आज इस राशि के उम्रदराज लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। आज आप धन से जुड़ी समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी जानने वाले से सलाह लेनी चाहिए। बच्चे आज कुछ रोमांचक समाचार ला सकते हैं। आज आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से धोखा मिल सकता है। आज आपके पास धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही रहेंगे। आप आज अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताने और उनको कहीं बाहर घुमाने ले जाने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से आपका प्लान खराब हो जाएगा और जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की वजह से आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। और आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं, जहां आज आपके पास खुद के लिए पर्याप्त वक्त रहेगा, तो इस अवसर का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं। जो लोग लघु व्यवसाय करते हैं, उन्हें आज अपने किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर संभव प्रयास करेगा। अपने प्रिय की ईमानदारी पर कभी शक न करें। आज योग्य कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। आज दिमागी कसरत हो सकती है, जिसके लिए आप शतरंज खेल सकते हैं, वर्क पहेली हल कर सकते हैं, कोई कविता कहानी लिख सकते हैं या फिर भविष्य की योजनाओं पर गहराई से सोच सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की सभी मुश्किलों को आसानी से सामना कर सकते हैं। तो ये थी आज की 12 राशियों का हाल। हम कल फिर हाजिर होंगे नए 12 राशियां लेकर। तब तक आप देखते रहिए वामा टीवी। नमस्कार। सब्सक्राइब वामा फॉर मोर।